प्रदेश के स्थानीय चोपन थाना क्षेत्र के अम्मा टोला घाट का एक मामला प्रकाश में आया है। मंगलवार सुबह 9 बजे करीब सामा केवट पुत्र राम निरंजन केवट निवासी अम्मा टोला कोटा अपनी पत्नी रूपनी देवी व पुत्र शिवानंद के साथ कनौहरा पहाड़ी जंगल से लकड़ी काटने गया हुआ था और लकड़ी काट कर वापस घर आ रहा था। उसी दौरान कनौहरा वन विभाग फॉरेस्ट गार्ड ने लकड़ी पकड़ लिया, उसके कब्जे से सभी लकड़ियों को अपने कब्जे में ले लिया और फॉरेस्ट गार्ड ने तीनों को छोड़ दिया। लेकिन जब तीनों ने सोन नदी को पार करने के लिए नदी में पैदल ही चल दिए, उसी दौरान अचानक से सोन नदी बहाव तेज हो गया, जिसके कारण सामा केवट पानी में बह गए। वह पत्नी लड़के किसी तरह से पीछे भागकर अपनी जान बचाई, फिर नाव से दोनों इस पार वापस घर पहुंचे। यह घटना गांव में आग की तरह फैल गई और गांव के लोगों के द्वारा नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन किया, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे चोपन थाना अध्यक्ष के सिंह ने मौके की जाँच करते हुए अग्रिम कार्रवाई में जुटे। एक जन पूछा तो ना कहाँ जाता।